हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल बिटियास किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर आपके सामने कुछ किचन टिप्स लेकर हाजिर हुई हूँ। सबसे पहली टिप है, हम जब भी पनीर या चीज घिसते हैं, कद्दूकस करके डालना होता है किसी भी डिश में, तो वो कद्दूकस पे चिपक जाता है और फिर उतना अच्छा घिसा नहीं जाता जितना हमें चाहिए होता है। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कद्दूकस के दोनों साइड में, नीचे भी और घिसने वाली साइड में, थोड़ा ऑयल लगा लीजिए, उसको ग्रीस कर लीजिए, जिससे वो बिल्कुल नहीं चिपकेगा। आज की दूसरी टिप है कि हम जब भी पकौड़े बनाते हैं तो वो कभी कभी बैटर गाढ़ा हो जाता है कंसिस्टेंसी उसकी, तो पकौड़े थोड़े सॉफ्ट बनते हैं जो अच्छे नहीं लगते हैं। तो उसको क्रिस्पी करने के लिए उसमें उसको बैटर को पतला रखिए और थोड़ा सा चावल का आटा मिक्स कर दीजिए उसमें, तो क्रिस्पी बनेंगे। और उसको थोड़ा पहले हाई फ्लेम पे, उसके बाद एकदम धीमी फ्लेम करके सेकिए, तो हमेशा आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। तीसरी टिप है आज की कि जब भी कभी हमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट घर पर बनाकर स्टोर करना होता है ज्यादा दिन के लिए, एक तो 60 और 40 के रेशो में बनाइए। 60% लीजिए आप अदरक और 40% लीजिए आप गार्लिक। और जब भी उसको पीसे तो पानी मत डालिए, एक दो चम्मच ऑयल डाल दीजिए। इससे आप महीने या 1.5 महीने के लिए आसानी से स्टोर कर सकते हैं, किसी तरह की कोई स्मेल उसमें नहीं आएगी। मीट बनाते टाइम कभी कभी ऐसा होता है कि कभी इस तरह का आ जाता है जो गलने में बहुत टाइम लगता है, तो उसमें बनाते समय, पकाते समय उसमें जो पान में डालने वाली सुपारी होती है, साबुत वाली मिलती है मार्केट में, वो डाल दीजिए, तो वो इजीली कम टाइम में, जैसा टाइम आपको रखना है उस टाइम में वो पक जाएगा। और जब जैसे वो गल जाए मीट आपका, उसके बाद उसको सुपारी को आप बाहर निकाल लीजिए। ये थी हमारी चौथी टिप। और पांचवी टिप है आज की कि जब भी कभी भटूरे बनाएं तो उसका मैदा जब हम लगाते हैं, मतलब मैदा गूंद कर पहले से रखते हैं, तो उसमें एक चम्मच चीनी भी मिक्स कर लीजिए मैदा में। इससे फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा तेज हो जाता है और जल्दी और अच्छा फर्मेंट होता है। और थोड़ा उसमें सूजी भी मिक्स कीजिए, जिससे क्रिस्पी रहते हैं और थोड़ा रेडिश ऊपर से आते हैं अच्छे सिके हुए, और आपको अच्छे टेस्टी भी लगते हैं भटूरे। ये थी हमारी आज की कुछ टिप्स। आगे भी इस तरह की टिप्स के साथ मैं आती रहूंगी आपके सामने। और अगर आपको अच्छा लगता है, टिप्स आपको पसंद आई है, मेरी डिशेस आपको पसंद आई है, तो प्लीज लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।